तो थंबनेल से आपको पता चली गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 डार्कनेस हॉरर गेम्स जो कि आपको सारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएंगे। और हाँ भाई, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, शॉर्ट फॉर्मेट का वीडियो है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर से वॉच करना, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, नंबर 5 में जो हमारा हॉरर गेम है, उस गेम का नाम है नो रेस्ट हॉरर गेम। गेम यहाँ पे ऑफलाइन है और 179 MB का ये गेम है। गेम की स्टोरी के बारे में अगर बात करें तो आपका जो कैरेक्टर है वो यार शॉर्टकट लेने के चक्कर में एक वीरान बस्ती में फंस चुका है। वहाँ पे बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। अब आपको अपनी जान को बचाकर यहाँ से निकलना है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है गेम की। गेम को खेल को आपको बहुत मजा आएगा, जरूर से ट्राई करना। ज्यादा स्पॉइलर्स नहीं दूंगा, गेम जरूर से ट्राई करना। तो चलो यार, नंबर 4 पे जो हमारा गेम है उस गेम का नाम है रूम 817। गेम यहाँ पे ऑफलाइन है और 115 MB का ये गेम है। गेम में आपको एक स्टोरी लाइन दिखाई देगी जिसके के अंदर जो अपना बंदा है, जो कैरेक्टर है, वो एक घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है। क्योंकि यहाँ पे 3 साल पहले 2 पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए हैं। वो मिस्ट्री को आपको सॉल्व करना है और यहाँ पे बहुत सारे पजल्स भी है, सारे के सारे मैप को आपको एक्सप्लोर करना है। और यहाँ पे एक जाइंट स्केलेटन भी है जिसको आपको मारना है। वो कैसे क्या है वो सारा गेम खेल को आपको पता चलेगा। ज्यादा स्पॉइलर्स नहीं दूंगा, गेम को एक बार से जरूर से ट्राई करना। तो चलो यार, नंबर 3 पे जो हमारा गेम आ रहा है उस गेम का नाम है कैप्टिविटी हॉरर गेम। ठीक है, गेम यहाँ पे ऑनलाइन है और भाई 102 MB का ये गेम है। गेम यहाँ पे मल्टीप्लेयर है, आप अपने ऑनलाइन फ्रेंड के साथ या फिर अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस गेम को फ्री में कस्टम रूम क्रिएट करके खेल सकते हो। गेम की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे अजीब अजीब पेशेंट पे अजीब अजीब रिसर्च किए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उनसे बचकर आपको यहाँ से एस्केप करना है अपने दोस्ती के साथ। ज़्यादा स्पॉइलर्स दूंगा नहीं, गेम को ट्राई करके सारे गेम के बारे में पता करो। तो नंबर 2 पे हमारा गेम आ रहा है एंडलेस नाइटमेयर 1। यहाँ पे गेम ऑफलाइन है और भाई 113 MB का ये गेम है। गेम की स्टोरी के बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पे पुलिस ऑफिसर का एक रोल प्ले करने वाले हो, जहाँ पे आपको खुद के ही घर में आपकी बेटी और वाइफ का मर्डर किसने किया है वो मिस्ट्री को सॉल्व करना है। और यहाँ पे जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है उनसे बचकर भाई सारी चीज़ें ढूंढ कर निकालनी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर गेम ये निकल के आता है। और भाई, अगर इस गेम के बारे में मैं ज़्यादा स्पॉइलर्स ना दूँ तो ही अच्छा है, जिससे कि आपको गेम खेलने में मज़ा आए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिस्ट्री को सॉल्व कर देना और कमेंट करके बताना आपने सॉल्व किया कि नहीं। तो चलो यार, नंबर 1 पे जो हमारा हॉरर गेम आ रहा है उसका नाम है द घोस्ट। गेम यहाँ पे ऑनलाइन है और भाई 344 MB का ये गेम है। अगर गेम की स्टोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप इस गेम को मल्टीप्लेयर प्ले कर सकते हो। आप रैंडम प्लेयर के साथ प्ले करो या फिर अपने दोस्तों के साथ फ्री में कस्टम रूम क्रिएट करके, ये मैटर नहीं करता, कैसे भी प्ले करो। गेम में आपको यहाँ पे अलग अलग मैप देखने को मिलेंगे। अगर आप हॉस्पिटल मैप को प्ले कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक कार दी जाएगी, मतलब कि GBF जिसे कह सकते हो, उसके कुछ पार्ट मिसिंग है, जैसे टायर हो गया, उसमें फ्यूल नहीं है, उस गाड़ी की नहीं है। ये सारे पार्ट्स आपको जो है इस हॉस्पिटल मैप में एक्सप्लोर करने हैं और फिर उसको लगा के वहाँ से एस्केप करना है। लेकिन यहाँ पे हर टाइम एक भूतनी घूमती रहती है जिससे कि आपको और आपके फ्रेंड को बचना है। यहाँ पे देख सकते हो, मेरे फ्रेंड को उस भूतनी ने मार दिया, उसका गेम हो गया ओवर। यहाँ पे मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो ऐसे करके आपको टोटली ये सारा मैप एक्सप्लोर करना है और वो गाड़ी के पार्ट ढूंढ के यहाँ से एस्केप करना है। अगर आप एस्केप कर पाए तो विन करोगे, नहीं कर पाए तो लॉस हो जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है और वीडियो को लाइक करना भूलना मत। इस वीडियो को शेयर भी कर देना।